वक्त कई बार कैसे बदलता है और नियति कई बार कितनी क्रूर हो सकती है, अगर ये समझना है तो गुरुचरण सोढ़ी की बातों में झलके दर्द से आप समझ सकते हैं। गुरुचरण सोढ़ी एक वक्त पर टीवी के बेहद पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सोढ़ी, जी हाँ, गुरुचरण सिंह तब अचानक सुर्खियों में आए जब 22 अप्रैल को वो घर से निकले और फिर 25 दिन तक लापता रहे। हर जगह सवाल यही था कि आखिर गुरुचरण कहाँ गए। परिवार वाले, फैंस उन्हें लेकर बेहद परेशान थे। मीडिया में दिन रात यही सवाल था, आखिर कहाँ चले गए गुरुचरण सिंह। फिर एक दिन वो खुद लौटे और उन्होंने बताया कि वो धर्म के रास्ते पर निकल आए थे और फिर उन्होंने ये भी बताया उन्हें काम की सख्त जरूरत है, उन्हें कर्ज चुकाना है। हाल ही में उन्होंने सिद्धार्थ कनन के शो पर कुछ ऐसी बातें कही जिससे लोगों का दिल पसीज गया। उन्होंने कहा कि उनके पास काम नहीं है, उन्हें काम की सख्त जरूरत है। उन्होंने ये भी बताया कि वो एक महीने से मुंबई में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लोग उन्हें पसंद करते हैं, टीवी पर देखना चाहते हैं और वो अच्छा काम भी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है। उन पर 1 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, साथ ही उन्हें अपने माँ की देखभाल भी करनी है। उनकी हालात बेहद दयनीय है। साथ ही सोढ़ी ने ये भी बताया कि 34 दिन से उन्होंने सॉलिड फूड नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें EMI और क्रेडिट कार्ड का बिल भी चुकाना है। 34 दिन से सॉलिड फूड नहीं खाया, लिक्विड डाइट पर हूँ, चाय, दूध, नारियल पानी पी रहा हूँ। गुरुचरण सोढ़ी की ये बातें सुन करके उनके फैंस और तमाम लोग बेहद निराश हैं। उम्मीद करते हैं कि गुरुचरण सोढ़ी को जल्द से जल्द काम मिले, एक बार फिर से उनकी जिंदगी में अच्छे दिन आ सके।